अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है यू कैन से दिस के बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मेरी एक सजेशन है कि आप लोग इस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा वो बेध्यान से, बिकॉज इस लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि बायोग्राफी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि स्पेनिश सिविल वॉर में फॉर होम द बेल्ट वॉज लिखा गया, तो क्यों लिखा गया है और इसकी रीजंस क्या हैं, यानी कि स्पेनिश सिविल वॉर होती क्या है, प्लस इसमें ये कि इस नॉवल में कौन से ऐसे थीम्स हैं जो कि राइटर्स ने यूज़ किए हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी समरी अपलोड कर दूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम लोग इसकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो बायोग्राफी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्समैन थे। फर्दरमोर इज अबाउट दैट कि इन्होंने नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी इन्हें जो है इन्होंने विन किया। अगर इनके कंप्लीट नेम की बात करें तो ये हैं अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। इनका निकनेम है पापा एंड बोर्न यानी कि इनकी पैदाइश हुई थी 21 जुलाई 1899 में ओक पार्क लेनियस में, एंड डेथ हुई थी 2 जुलाई 1961 में एडाहो में। फादर का नेम है इनके क्लेरेंस एडमंड्स हेमिंग्वे, जो कि बेसिकली एक फिजिशियन थे। मदर इनकी ग्रेस हॉल हेमिंग्वे थी, जो कि बेसिकली एक वेल नोन म्यूजिशियन थी एक विलेज में, एंड इन्होंने अपने सन को जो है सेलो नाम का जो यानी कि म्यूज़िक होता है वो भी सिखाया था। लेकिन वो लहदा बात है कि हेमिंग्वे ने ये सीखने से इनकार कर दिया था। लेटर ऑन उसने फिर इसे जो है कोशिश की थी सीखने की। हेमिंग्वे ने ओक पार्क और रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल को अटेंड किया एंड वहाँ से 1917 तक अपनी एजुकेशन गेन की। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एथलीट थे और इन्होंने नंबर ऑफ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि बॉक्सिंग, ट्रैक एंड फील्ड, वाटर पोलो एंड फुटबॉल। उसके अलावा जो है इन्होंने अपने, अगर मैं बात करूँ इनके स्कूल लेवल पर, इन्होंने क्या किया कि एक न्यूज़पेपर था उससे एडिट किया। उस न्यूज़पेपर का नेम आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, दैट इज़ दी ट्रपिस एंड टेब्यूला। इस स्कूल न्यूज़पेपर को इन्होंने एडिट किया, ये एक जर्नलिस्ट बन गए थे, और बिफोर बिकमिंग अ नॉवलिस्ट ये एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने जो है फिर क्या किया कि इन्होंने अपने हाई स्कूल को वहाँ से एजुकेशन गेन करने के बाद ये कैंसस सिटी स्टार में चले गए थे एज ए कब रिपोर्टर, एंड ये वहाँ 6 मंथ तक इन्होंने स्टे किया। 1917 दिसंबर में इन्हें US आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज इनकी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी। और फिर इन्होंने एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन इटली जो है वहाँ पे साइन किया एंड इनके वहाँ पे इन्होंने जॉब ले ली। फिर 8 जुलाई को इन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की जो है इंजरी हो गई थी बाय मोर्टार फायर। इस वाउंड के होने के बावजूद भी इन्होंने इटालियन सोल्जर्स को यानी कि उनकी हेल्प की उन्हें असिस्ट किया, और इस सर्विस को अंजाम देने के बाद इन्हें अवॉर्डेड किया गया। इन्हें जो है इन्होंने एक अवार्ड विन किया, दैट इज़ द इटालियन सिल्वर मेडल ऑफ ब्रेवरी। अगर हम लोग इनके इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स की बात करें तो ये आप लोगों को सारे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। द टोरेंट ऑफ द स्प्रिंग, जिसे कि पब्लिश किया गया 1924 में, द सन ऑल्सो राइजेस 1926, अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929, टू हैव एंड हैव नॉट 1939, फॉर होम द बेल टोल्स 1940, एंड द ओल्ड मैन एंड द सी 1952।
अगर इनकी इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे है इन आवर टाइम 1925 में ये पब्लिश हुई, थ्री स्टोरीज एंड 10 पोइम्स 1923, मैन विदाउट वुमन 1927, द फर्स्ट 49 स्टोरीज 1938 एंड देन द फाइनल वन इज द एजेंशियल हेमिंग्वे 1947। चलिए अब हम इनके अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 1953 में अपना जो है पुलित्जर प्राइज़ विन किया, 1954 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, और इनकी जो ये जो नावल है फॉर होम द बेल टोल्स, इसमें जो इन्होंने जिन थीम्स के थ्रू जो है नावल लिखा या जिन थीम्स का यूज़ किया वो है द लॉस ऑफ इनोसेंस, डेथ, हॉरर्स ऑफ वॉर, यानी कि स्पेनिश सिविल के जो हॉरर्स थे, कैसे लोगों पे उसके इम्पैक्ट्स थे, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने इस प्ले में बताई हैं। उसके बाद पैसिमिज्म, क्योंकि इसमें डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो हर चीज़ पैसिमिस्टिक है, द लॉस ऑफ वैल्यूज। इसके बाद ये कि मैं अब बताऊंगी कि जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है ये बेसिकली एक टाइटल की बेस पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, वो थे वॉर स्ट्रिकन सोल। ठीक है, वॉर स्ट्रिकन सोल वो सोल होती है जिसने कि वॉर में पार्टिसिपेट किया हो और बहुत ज़्यादा मिजरीज और सफरिंग से वो गो थ्रू हुआ हो, और इसी बेसिस पे इन्होंने एक कंसेप्ट दिया दैट इज़ द लॉस्ट जनरेशन, क्योंकि जो वॉर थी उसके बहुत ही ज़्यादा इंटेंस किस्म के इम्पैक्ट्स थे लोगों पे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सफरिंग से गो थ्रू हुए थे लोग, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानियों से झेलना पड़ा था, एंड इसी बेसिस पे इन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया दैट इज़ लॉस्ट जनरेशन। क्योंकि जो लॉस्ट जनरेशन उस ये कंसेप्ट है कि जो लोग जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर पार्टिसिपेट किया अपने अर्ली एडल्टहुड में, उन लोगों को लोस जनरेशन बुलाते हैं, क्योंकि वो लोग डिसओरिएंटेड हो गए थे, डायरेक्शन लेस हो गए थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो लोग किस रास्ते को इख्तियार करें, कहाँ जाएं, तो वो वांडरिंग हो गए थे, इधर उधर भटक रहे थे, बट स्टिल लाइक उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो कौन सी डायरेक्शन को जो है वो लाइक इख्तियार करें। ठीक है, और इन्होंने अपनी आइडेंटिटीज़ को खो दिया था, अपनी वैल्यूज़, अपनी कल्चरल वैल्यूज़, अपनी रिलीजियन थिंग्स को, सब चीज़ों को छोड़ दिया था। और इस जनरेशन के जो राइटर्स थे उन्होंने लाइफ के क्या मीनिंग्स हैं, क्योंकि लोग निहिलिस्टिक अप्रोच रखने लगे थे, और उसी चीज़ को इन राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि लाइफ के क्या मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, और जो ये राइटर्स थे इन्होंने पोस्ट वॉर पीपल को डिस्कस किया, उनकी सफरिंग्स को अपनी राइटिंग में डिस्कस किया कि लोग कैसे डिस्टॉर्टेड हुए फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। अगर हम लोग बात करें कि ये जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है इनके राइटिंग स्टाइल की, तो इन्होंने क्लासिकल वे में इस नॉवेल को लिखा है और रियलिस्टिक अप्रोच रखी है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डायलॉग्स का यूज़ किया है, सिंबल्स को एफिशिएंटली इन्होंने अपनी राइटिंग में इस्तेमाल किया है, और ये कि ये बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ करेक्टर्स को यूज़ करते हैं अपने नॉवल में। फर्दर मोर इज़ अबाउट दैट कि अगर हम लोग फॉर होम द बेल टोल्स की बात करें तो ये एक क्लासिकल नॉवल है जिससे कि 1940 में पब्लिश किया गया, एंड ये टाइटल जो है, ये नॉवल का जो टाइटल है ये जॉनडन की पोएम जिसका नेम मेडिटेशन है उससे लिया गया है। जॉनडन आप लोग को पता है कि एक मेटाफिजिकल पोइट है, ठीक है, और उन्होंने मेडिटेशन की जो उनकी पोएम है उनकी कुछ लाइंस में से अपने टाइटल का नेम बोरो किया, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही है आस्क नॉट फॉर होम द बेल टोल्स इट टोल्स फॉर दी, तो यहाँ से इन्होंने अपना टाइटल जो है वो पिक किया। फर्दर मोर इज़ अबाउट के जो राइटर्स थे उस एज के, मैं आप लोग ये बात बताना भूल गई हूँ कि उस टाइम पीरियड के, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे वो ड्रंकन होते थे और इतने एक्सेसिवली इन्वॉल्व होते थे लव अफेयर्स में, और उनकी सोच जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, पेसिमिस्टिक हो गई थी, डिसओरिएंटेड हो गई थी। इन्होंने एक और भी चीज़ बताई कि जो कोड हीरो और सिंपल हीरो, इनका भी इसने हेमिंग्वे ने कॉन्सेप्ट दिया कि कोड हीरो कौन सा होता है, जो कि सुपीरियर होता है एज वेल एज सीनियर होता है, और एक्सपीरियंस्ड प्लस स्किल्ड मैन होता है इन एवरी वॉक ऑफ फील्ड। ठीक है, और वाइल ऑन द अदर हैंड सिंपल हीरो यानी कि हेमिंग्वे हीरो जो होता है वो इन्फीरियर होता है, जूनियर होता है, लर्नर होता है इन ईच एंड एवरी फील्ड, और जो कोड हीरो होता है वो सक्सेसफुल ट्यूटर होता है, वाइल ऑन द अदर हैंड सिंपल हीरो यानी कि हेमिंग्वे हीरो जो है वो स्ट्रगलर होता है, स्ट्रगल करने की पोजीशन में होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग आते हैं इस नॉवल की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ।
तो इस नॉवेल के जो ऑथर हैं, आप लोग को पता चल ही गया है कि अर्नस्ट हेमिंग्वे है, अर्नस्ट मेलर हेमिंग्वे। और टाइप ऑफ वर्क जो है नॉवेल है, प्लस ये कि इसका जो योनरा है वो ट्रेजिडी है, हिस्टोरिकल नॉवेल है, वॉर नॉवेल है, लव स्टोरी है। ये ट्रेजिडी इस तरह से होगी क्योंकि डेथ होती है, और प्लस इसमें ये है कि वॉर का इम्पैक्ट दिखाया जाता है कि कैसे रिपब्लिकन जो है एंटीफेसिस्ट हो गए थे, और उन्होंने फैसिस्ट के जो बिलीव्स थे, आइडियलिज्म्स थे, उनको रिजेक्ट किया था और उनके अगेंस्ट जाके उन्होंने वॉर लड़ी थी। तो ये चीज़ें भी दिखाएंगे हमें, हिस्टोरिकल यानी कि स्पेनिश सिविल वॉर का भी हमें दिखाया जाएगा। लव स्टोरी इसलिए आज से होगी क्योंकि इस प्ले में हमें दिखेगा कि एक मारिया जिसका रेप हुआ, और फिर क्या होता है कि जो इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है वो उसकी तरफ देखता है तो उसे प्यार हो जाता है। यहाँ पे लव स्टोरी भी हमें दिखाई जाएगी, हमें पेसिमिस्टिक अप्रोच भी दिखाई जाएगी, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी। प्लस ये कि इस नॉवेल की जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन उसमें कुछ स्पेनिश वर्ड्स और फ्रेजेस का भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इस प्ले को जो लिखा गया है उसकी टाइम, उसकी प्लेस, तो इसे 1939 मार्च में लिखा गया और 1940 अगस्त तक ये मतलब कंप्लीट हो गया था नॉवल। एंड ये चीज़ के इसे लिखा गया था क्यूबा की वेस्ट, वायोमिंग एंड इडाहो। एंड इस जो नॉवल की फर्स्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो है 21 अक्टूबर 1940, ठीक है। ये थर्ड पर्सन नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, ठीक है। और इसकी सेटिंग जो है वो ये है कि 3 days ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ माई 1937 फ्रॉम सैटरडे आफ्टरनून टू ट्यूसडे मिड डे, यानी कि ये टोटल ना प्ले 3 दिनों की समझ लें सेटिंग है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि इस नॉवेल का जो प्रोटैगनिस्ट है वो रॉबर्ट जॉर्डन है। अब हम लोग आते हैं अपने फाइनल चीज़ पे, जो कि स्पेनिश सिविल वॉर। इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। स्पेनिश सिविल वॉर गाइस लिखी, जो स्पेनिश सिविल वॉर थी ये हुई थी 1936 से 1939 के बिटवीन। एंड जो ये स्पेनिश सिविल वॉर थी ना, ये 2 पार्टीज़ के बीच में लिखी गई थी, फासिस्ट एंड रिपब्लिकन्स, ठीक है। जो फैसिस्ट थे इनका बिलीव ये था, ये चाहते थे कि प्राइवेट ओनरशिप हो, डिक्टेटरशिप हो, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, इनके पास वेल्दी लैंड ओनरशिप हो, ठीक है। ये मतलब लाइक अपनी अपनी परपेचुअली एडवांटेजेस गेन कर सकें, ठीक है। और इन्हें कोई परवाह नहीं थी बेसिकली, अगर मैं बात करूँ ये दोनों पार्टीज़ ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट नहीं करती थी उनकी वैल्यूज़ की, ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट थी, ठीक है। तो ये है कि जो रिपब्लिकन्स थे वो डेमोक्रेसी के लिए रिवोल्ट कर रहे थे, फ्रीडम के लिए कर रहे थे, और जो कॉमन पीपल उनके साथ जो क्रूएलिटी दिखाई जा रही थी उससे ख़त्म करने के लिए ये रिवोल्ट कर रहे थे। और अगर मैं बात करूँ जो फैसिस्ट थे ना, ये प्राइवेट ओनरशिप को सपोर्ट करते थे, और रिपब्लिकन्स कम्युनिज्म अनार्किज्म को करते थे। कम्युनिज्म वो चीज़ होती है, एक फिलोसफिकल मूवमेंट है ये बेसिकली, जो कि बेसिकली इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है कि कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, हर एक को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हर एक की इक्वल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी कि यू नो एक स्पेसिफिक जो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मार्क्सिज्म में, मैंने काफ़ी दफ़ा इसका बता दिया, तो बोर्जियस होती है एक क्लास और दूसरी जो होती है प्रोलेटेरियट। तो बोर्जियस चाहती है कि हमारे पास जो है ना प्राइवेट ओनरशिप हो, हम लोग ही सब कुछ हों, हम लोग ही अपर हैंड रखें लोअर क्लास पे, वो अपना हुक्म चला सकें, ठीक है, तो अपनी यानी कि यू नो सर्वेंट्स ले सकें, कुछ इस तरह से। तो जो ये चीज़ थी कि जो रिपब्लिकन्स थे ना वो चाहते थे कि ऐसी ये इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे कि कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, हर एक के इक्वल राइट्स होने चाहिए। और अगर अनार्किज्म थे, अनार्किज्म की बात करें तो इसका ये है कि कोई भी अथॉरिटी या रूलिंग पावर नहीं होगी, कोई किसी तरह की हुकूमत नहीं राज करेगी, बल्कि जो कंट्री है उसे वॉलंटियरली जो है ना रन करना चाहिए। और ये कि इन्होंने ना कैथोलिक्स वैल्यूज़ को, सेक्युलर कैथोलिक वैल्यूज़ को फॉलो करने से रिजेक्ट कर दिया था रिपब्लिकन्स ने। एंड स्पेन में रिपब्लिकन्स ने सोवियत यूनियन से सपोर्ट ली थी, यानी कि रशिया और अमेरिका से, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम फैसिस्ट की बात करें तो इन्हें सपोर्ट किया था इटली एंड जर्मनी ने। अगर इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो
वो जो है रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करता है और ये एक एंटी फैसिस्ट है और ये जो है ना मतलब खुद को सर्व करना चाहता है, क्योंकि इससे ये इसे लगता है कि ये ना स्पेन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये ना लोगों को कत्ल नहीं करना चाहता, ये लोगों से प्यार करता है, ये वॉर के एंटी वॉर है, एंटी फैसिस्ट है और ये फैसिस्ट के बिलीव्स के इसलिए नहीं मतलब उसकी उसे फॉलो करना चाहता है बिकॉज जो फैसिस्ट थे वो तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट थे। ह्यूमैनिटी इज़ द कॉन्सेप्ट कि ये जो थे ना ह्यूमैनिटी को कुछ समझते ही नहीं थे, ये लोगों की कोई वैल्यूज़ नहीं करते थे, वैल्यू की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें फैसिस्ट की, तो इन्होंने अपना एक ऑफिशियल कंसीडर किया था एज ए डिक्टेटर जिसका नेम था फ्रांसिस्को फ्रैंको। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, आप लोग इसे नोट कर लें, ये आप लोग को स्क्रीन पर शो हो जाएगा, फ्रांसिस्को फ्रैंको। तो फैसिस्ट ने बेसिकली इन सब का अगर कंक्लूजनली मैं आप लोग को बताऊँ कंक्लूसिवली, तो फैसिस्ट ने जो ना स्पेनिश सिविल वॉर को विन कर लिया था एट द एंड। तो इसी तरह हमें प्ले में दिखाया जाएगा कि कैसे रिपब्लिकन्स जो थे यानी कि रॉबर्ट जॉर्डन ने स्ट्रगल आउट किया, लेकिन स्टिल एट द एंड हम लोग प्ले में देखेंगे कि कैसे ये लोग मतलब इन में से बहुत सारे करेक्टर्स जो हैं हमें डेथ का हमें लास्ट पे मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी रॉबर्ट जॉर्डन की टांग भी टूट जाती है एंड उसकी वजह से वो फिर जा नहीं पाता अपने दोस्तों के साथ वापस, तो वो कहते हैं मैं मतलब जा नहीं सकता, तुम लोग जाओ। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे फैसिस्ट ने रिपब्लिकन्स को हरा दिया। तो इस तरह से ये स्पेनिश सिविल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। ओके, सो दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप तो मुझे जो है कमेंट सेक्शंस के थ्रू पूछ सकते हैं, प्लस मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।